तो फ्रेंड्स, आईटी एंड टेक्नोलॉजी का एक पेनी स्टॉक वामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे और इसका क्वार्टर रिजल्ट कैसा आया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसका आज का क्लोजिंग था 11.30 एंड 52 वीक हाई था 15 रुपीज़ 30 पैसा। इसका पी है 83 का और ईपीएस है 0.14 का। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.50 जो कि डेट भी कम है और ईपीएस ठीक ठाक है लुकिंग एट द रेट, बट पी थोड़ा ज़्यादा है और इसका प्रोमोटर होल्डिंग है स्ट्रॉन्ग 43% एंड एफआईआईडीआई का कोई होल्डिंग इसमें नहीं है। अब बात करेंगे ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट कैसा आया है वामा इंडस्ट्रीज का। तो फ्रेंड्स, दिसंबर 20 में प्रॉफिट था 19 लाख रुपीज़, सितंबर 21 में प्रॉफिट हो गया 10 लाख रुपीज़ एंड दिसंबर 21 में प्रॉफिट हो गया 13 लाख रुपीज़। तो ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ नहीं है, बट हाँ क्वार्टर एंड क्वार्टर जरूर ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। तो वामा इंडस्ट्रीज को अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो मार्केट चलेगा, तो इसमें फिर से मूवमेंट आने को देख सकते हैं हम लोग। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, ज़्यादा नहीं चल रहा है बिकॉज मार्केट में गिरावट का माहौल है, बट जैसे ही मार्केट चलेगा तो इसमें भी अपर सेकंड लगना शुरू हो सकते हैं। तो आप इस लेवल पे थोड़े बहुत शेयर अपने पोर्टफोलियो में एवरी लेवल पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी से ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको टू थ्री मंथ्स में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो यू कैन स्टडी अबाउट वामा इंडस्ट्रीज एंड टेक योर डिसीजन विच बिलोंग्स टू आईटी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। थैंक यू फ्रेंड्स।